मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरी पहली वीडियो को पसंद करने के लिए, उसे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जो इस चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसे लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे कलामे मुकद्दस के चैप्टर्स की गहराइयों को समझ सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे 10 स्टेप्स को देखेंगे जो हमें बाइबल मुकद्दस को अंडरस्टैंड करने में मदद देंगे। कलामे मुकद्दस को जब लिखा गया था तो ओरिजिनली इसके कोई चैप्टर और वर्सेस की तकसीम नहीं थी। इनफैक्ट यहाँ तक कि ये मसीह की डेथ के बाद भी ऐसा नहीं था। 1228 में बिशप स्टीफन लैंगटन ने बाइबल में चैप्टर्स की तकसीम की थी। बाइबल में चैप्टर्स की तकसीम को इसलिए शामिल किया गया था ताकि बाइबल के कई हिस्सों को पढ़ने वालों के लिए आसान बनाया जाए। आमतौर पर यह कुछ अच्छे ब्रेकिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करता है जो बाइबल स्टडी में मददगार साबित होते हैं। इस तकसीम के मुताबिक बाइबल में टोटल 1189 चैप्टर्स हैं। अगर आप हर दिन एक चैप्टर को भी रीड करें तो आप जस्ट 3 सालों में बाइबल को पढ़ने के काबिल हो सकते हैं। अगर आप 2 चैप्टर्स को एक दिन के लिए समराइज करें तो आप बाइबल को 20 मंथ्स में खत्म कर सकते हैं। यकीनी तौर पे आप इस तरीके को रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस स्टडी मेथड से जल्दी ही बोर हो जाएंगे। इसके बजाय आप रेंडमली चैप्टर्स को सेलेक्ट करें जो आप पढ़ना चाहते हैं और इन पैसेजेस पे समरी मेथड इस्तेमाल करें। बाइबल स्टडी के समरी मेथड में बाइबल के चैप्टर को एटलीस्ट 5 टाइम्स पढ़ना और इसके कंटेंट से जनरल अंडरस्टैंडिंग हासिल करना शामिल है। ये मेथड क्यों अहम है? ये मेथड इसलिए अहम है क्योंकि ये आपको बाइबल के चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करने के काबिल बनाता है। ये एक कीमती तरीका है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नए मसीही या कोई ऐसा शख्स जो मीनिंगफुल बाइबल स्टडी करने में दिलचस्पी रखता है इसे आसानी से सीख सकता है। ये एक बेहतरीन तरीका है जिसके साथ 4 वजूहात की बना पर जिंदगी भर जाती बाइबल स्टडी शुरू कर सकते हैं। पहली वजह, ये तरीका सीखने में आसान है। आप इस पर अमल करना शुरू कर सकते हैं जैसे ही अगले हिस्से में हम 10 बुनियादी स्टेप्स को समझेंगे। दूसरी वजह, ये मेथड ज्यादा वक्त नहीं लेता है। ये चैप्टर की लेंथ पर जिसे आप स्टडी कर रहे हैं डिपेंड करता है। आप 20 से 30 मिनट में चैप्टर समरी कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरी वजह, इस मेथड को किसी और मदद या रेफरेंस टूल की जरूरत नहीं होती, लेकिन 10 स्टेप्स को जो हम आगे देखेंगे सीखना जरूरी है। फिर आप किसी भी हालत में किसी भी वक्त चैप्टर समरी कर सकते हैं अपनी बाइबल और पेपर को इस्तेमाल करते हुए। जब कभी भी आपके पास देने को इजाफी वक्त हो, जैसे कि वेटिंग रूम में, बस डिपो में और एयरपोर्ट पे, इस स्टडी मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी वजह, ये मेथड इस्तेमाल में लाने के लिए स्टडी की एक अच्छी टाइप है जब आप मसरूफ हों और आपके पास कम वक्त हो। जैसे ही आप हर चैप्टर रीड करते हैं, समरी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए इब्तदाई नोट्स बना सकते हैं। आपको बाइबल के चैप्टर से वाकफियत हासिल करने के लिए इससे ज्यादा बेहतर कोई और तरीका नहीं मिलेगा कि आप इसे बार बार रीड करें। जितनी मर्तबा बार बार आप पैसेज को पढ़ेंगे, उतना ही ये आपके लिए अलाइव हो जाएगा। बहुत से मसीही स्क्रिप्चर की आगाही से महरूम रहते हैं, क्योंकि वो इसे रीड करने और दोबारा रीड करने में नाकाम रहते हैं। अजीम बाइबल एक्सपोजिटर जी कैंपबेल मॉर्गन अपने एक्साइटिंग और पावरफुल सर्मन्स के लिए फेमस थे। जब इनसे खुदा के कलाम को कम्युनिकेट करने की काबिलियत के राज के बारे में पूछा गया तो इन्होंने ये जवाब दिया कि इन्होंने चैप्टर और पैसेज को 30 से 40 मर्तबा रीड करने को अपनी आदत बनाया है, इससे पहले कि वो सर्मन पे काम करना शुरू करे। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं, इनके सर्मन सच में एक्साइटिंग और मीनिंगफुल होते थे। अब हम चैप्टर्स को रीड करने की कुछ टिप्स को देखेंगे। पैसेज को रुके बगैर पढ़ें। अपने कुछ पहली रीडिंग्स के दौरान चैप्टर के मिडल में स्टॉप मत हो, बल्कि इसे शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ें। आपका मकसद चैप्टर के फ्लो को फील करना है, इसलिए शुरू में इसकी तफसीलात से परेशान मत हो। चैप्टर के मरकजी मैसेज को और राइटर के ओवरऑल थीम को हासिल करने की कोशिश करें।
पैसेज को कई मुख्तलिफ मौजूदा ट्रांसलेशंस में रीड करें। यह आपको इजाफी आगाही देगा कि कैसे हर एक ट्रांसलेटर ने किस तरह ओरिजिनल राइटिंग को पेश किया है और जो दिलचस्प डिफरेंसेस आपने फाइंड किए हैं उनके नोट्स बनाएं। पैसेज को बुलंद आवाज में रीड करें। अगर आपको गौर करने में मुश्किल होती है तो ये आपकी इसमें बहुत मदद करेगा, क्योंकि आप खुद को पढ़ते हुए सुनेंगे। बहुत से लोगों ने ये तजुर्बा हासिल किया है कि बुलंद आवाज से पढ़ना आपको बेहतर तौर पर टेक्स्ट पे फोकस करने में मदद देता है। जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो ये 10 स्टेप्स को फॉलो करें। समरी मेथड को करने के 10 स्टेप्स कुछ इस तरह हैं। स्टेप 1 कैप्शन यानी टाइटल, स्टेप 2 कंटेंट्स यानी मुआद, स्टेप 3 चीफ पीपल, स्टेप 4 चॉइस वर्ड्स यानी इंतखाबी वर्ड्स, स्टेप 5 क्रूशियल वर्ड यानी अहम लफ्ज, स्टेप 6 चैलेंजेस, स्टेप 7 क्रॉस रेफरेंसेस, स्टेप 8 क्राइस्ट सीन, स्टेप 9 सेंट्रल लेसन्स यानी मरकजी लेसन्स, स्टेप 10 कंक्लूजन यानी नतीजा। अब हम इन 10 स्टेप्स को तफसीलन देखेंगे। स्टेप 1 कैप्शन यानी टाइटल या उनवान। चैप्टर को मुख्तसर और डिस्क्रिप्टिव टाइटल दें। जितना छोटा टाइटल होगा उतना ही आप आसानी से इसे याद रख पाएंगे। इनफैक्ट अगर ये मेथड जो बाइबल में बुक आपने सेलेक्ट की है उसके हर चैप्टर पे इस्तेमाल करते हैं तो आप सारी बुक के कंटेंट को आसानी से याद रख सकते हैं, अगर आपको चैप्टर का टाइटल याद रहेगा। अगर मुमकिन हो तो एक लफ्ज इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, 1 Corinthians 13 का टाइटल लव हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा आप 5 वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के लिए हीब्रूज चैप्टर 11 के लिए हीरोज ऑफ द फेथ यानी ईमान के हीरो। चैप्टर का बुनियादी लफ्ज तलाश करने की कोशिश करें और इसे अपने टाइटल में फिट करें। अगर आपका टाइटल दिलकश और इंटरेस्टेड है और आपको जहनी तस्वीर बनाने में मदद करता है तो आप इसे ज्यादा देर के लिए याद रख सकेंगे। एक क्रिएटिव पर्सन ने जॉन चैप्टर 4 के लिए टाइटल वेल वेल दिया। इस चैप्टर के 2 बुनियादी वाक्यात हैं, एक औरत कुएं पर और दूसरा एक बुजुर्ग के बेटे को मसीह ने हील किया। स्टेप 2 कंटेंट। एक चैप्टर के अहम पॉइंट्स की वजाहत, समरी, पैराफ्रेज और लिस्ट बनाएं। जो मेथड आप चूज करते हैं ये चैप्टर के लिटररी स्टाइल और आपकी अपनी तरजीह पर डिपेंड करता है। कुछ लोग खुलासा करना और कुछ आउटलाइनिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन आप वो तरीका चूज करें जो आप पुरसकून महसूस करते और करने में आपके लिए आसान है। चैप्टर का तर्जमा करने की कोशिश मत करें, बल्कि इसके कंटेंट का मुशाहिदा करें। स्टेप 3 चीफ पीपल। चैप्टर के अहम शख्सियात की लिस्ट बनाएं। खुद से सवाल पूछें, जैसे इस चैप्टर में मेन लोग कौन है, उनको क्यों शामिल किया गया है, इनका किरदार क्या है और इनके किरदार में क्या अहम है। फिर इस चैप्टर में चूज किए हुए लोगों का रीजन लिखें कि आपने इनको चीफ पीपल क्यों चूज किया है। जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो फिर चैप्टर को समराइज करें। स्टेप 4 चूज वर्स। एक वर्स चूज करें जो पूरे चैप्टर को समराइज कर रही हो और जिसे आप महसूस करें कि ये आपके लिए जाती तौर पे है। कुछ चैप्टर्स में आपको बुनियादी वर्स मिलेगी जो राइटर के दलील को समराइज कर रही हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरे किसी चैप्टर में आपको बुनियादी वर्स ना मिले। ऐसे वक्त पे आप ऐसी वर्स को चूज करना चाहेंगे जिस पर आपका यकीन हो कि ये खुदा ने आपकी जिंदगी पे लागू करने के लिए रखी है। स्टेप 5 क्रूशियल वर्ड यानी अहम लफ्ज। चैप्टर के अहम लफ्ज या अल्फाज लिखें। बहुत मर्तबा ऐसा भी हो सकता है कि कीवर्ड वो हो जो चैप्टर में बहुत बार इस्तेमाल हुआ हो। फॉर एग्जांपल, लफ्ज लव यानी मोहब्बत 1 Corinthians 13 में इस्तेमाल हुआ और फेथ हीब्रूज चैप्टर 11 में बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। बाज़ औक़ात बुनियादी लफ्ज बहुत अहम हो सकता है, लेकिन ये हो सकता कि बहुत मर्तबा चैप्टर में इस्तेमाल ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, रोमन 6 में लफ्ज काउंट बहुत अहम लफ्ज है, लेकिन ये सिर्फ एक मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। रोमन चैप्टर 6 वर्स 11 को आप रीड कर सकते हैं। इसी तरह चैप्टर में एक से ज्यादा अहम अल्फाज हो सकते हैं। स्टेप 6 चैलेंजेस। पैसेज में जो भी आपको मुश्किल लगे उसकी लिस्ट बनाएं। जैसे कि क्या यहाँ कोई ऐसी दलील है जो आपको समझ नहीं आई, क्या कोई ऐसी मुश्किल है या सवाल जिसे आप मजीद स्टडी करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात चैप्टर का खुलासा करते आपको और स्टडी टाइप्स के आइडियाज मिलेंगे जिसे आप फ्यूचर में करना चाहेंगे। मिसाल के तौर पे एक खास लफ्ज आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है। स्टेप 7
क्रॉस रेफरेंसेस। अपनी स्टडी बाइबल में से क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल करें। दूसरे वर्सेस को भी देखें जो आपको चैप्टर समझने में मदद दे। खुद से सवाल पूछें कि और क्या है बाइबल में जो इस चैप्टर को समझने में मेरी मदद करे। क्रॉस रेफरेंसेस अहम है क्योंकि ये चैप्टर की तशरीह में अहम टूल्स हैं। ये आपको इस काबिल बनाते हैं कि बाइबल किसी भी तालीम पर मजमूई तौर पे क्या कहती है। स्टेप 8, क्राइस्ट सीन। पूरी बाइबल यीशु मसीह की शख्सियत का मुकाशफा है। इनफैक्ट यीशु ने ओल्ड टेस्टामेंट को इस्तेमाल किया शागिर्दों को खुद के बारे में सिखाने के लिए। एक दिन इमाउस रोड पर रेजोरेक्शन के दिन यीशु ने अपने दो शागिर्दों को सिखाया। मूसा और तमाम प्रॉफिट्स से शुरू करते हुए उसने उनको बयान किया कि इनके बारे में तमाम स्क्रिप्चर्स में क्या कहा गया है। लुक चैप्टर 24:27 आप बाइबल में से मजीद रहनुमाई के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे आप हर एक चैप्टर पढ़ते हैं तो ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए अलर्ट रहें जो आपको यीशु मसीह, रूल कुदस या खुदा बाप के बारे में कुछ बताती है। खुद से पूछें कि मैं इस चैप्टर में यीशु के फितरत के बारे में क्या सीख सकता हूँ। मसीह में खुदा की कौन सी खूबी बयान की गई है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी मोहब्बत, इंसाफ, रहम, पाकीजगी, कुदरत और ईमानदारी। ये स्टेप बाइबल के कुछ हिस्सों में पूरा करना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पे ओल्ड टेस्टामेंट की हिस्ट्री में और उन पैसेजेस में जहाँ इलामत को इस्तेमाल किया गया है। स्टेप 9, सेंट्रल लेसन, यानी मरकजी क्या। चैप्टर में जो असूल और लेसन आपने सीखे हैं और जो आगाही आपको मिली है उसे लिखे। खुद से पूछे कि खुदा बाइबल में ये पैसेज क्यों चाहता है, वो इस चैप्टर से मुझे क्या सिखाना चाहता है, वो मरकजी सोच कौन सी है जिसे राइटर डेवलप करना चाहता है। मुमकिन जवाब ये हो सकता है कि हमें तमाम बाहमी रिश्तों में मोहब्बत करनी चाहिए। 1 Corinthians 13। स्टेप 10, कंक्लूजन। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन का पोर्शन है। जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि प्रोजेक्ट बनाएं जो आपको इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा, जिसे आपने चैप्टर से सीखा है। ये आपको आपकी चैप्टर समरी में दो सवाल पूछते हुए इसको कंक्लूड करने में फायदा देगा। फर्स्ट ये कि कैसे ये सच्चाई मुझ पे जाती तौर पे लागू होगी, दूसरा कि मैं खास तौर पे इसके बारे में क्या करने जा रहा हूँ। अपनी हर बाइबल स्टडी में इन 10 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें और यकीनी तौर पे आप चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ मिलेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।